गाइस मेरी अंदर दुकान वालों से बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि उनको एक आदमी की ज़रूरत है जो कि उनके इस दुकान को, इस सुपरमार्केट को चलाए। उनके पास कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है कि जो इस सुपरमार्केट को हैंडल करे। तो गाइस उन्होंने मुझे कहा है कि आप कल तक आ जाएं तो आपको मेरी जॉब दे देंगे। गाइस कल हमारा पहला डे ऑफ जॉब होगा। मार्केट के लिए रेडी होकर निकलेंगे। अभी हम चलते हैं और चल के कपड़े चेंज करते हैं और फिर हम सुपर मार्केट के लिए रेडी होकर निकलेंगे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने रूम में। तो गाइस आपको मेरा रूम नजर आ रहा होगा। चल भाई दरवाज़ा बंद हो जाओ। दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा गाइस। बचा भाई दरवाज़ा बंद कर दिया हमने गाइस। तो गाइस ये मेरा रूम है और अभी मैं यहाँ पर कपड़े चेंज करूँगा। बल्कि मेरे पास तो कपड़े नहीं, कपड़े चेंज किया करूँगा। पहले हमें गाइस जाना होगा दुकान पर कपड़े लेने के लिए। तो गाइस अभी हम चलते हैं दुकान पर कपड़े लेने के लिए। अभी हम निकल रहे हैं अपनी जॉब पर, अपने बाइक पर। गाइस बाइक पीछे करते हैं अपना। चलो गाइस अभी हम अपने बाइक पर निकल पड़े हैं। अपनी जॉब का पहला दिन है आज। लेकिन पहले हम जाएंगे कपड़ों की दुकान पर, वहाँ से हम अपने कपड़े चेंज करेंगे और फिर हम अपने बाइक के लिए अपनी दुकान पर जाएंगे। तो ऐसे आ जाते हैं कपड़ों की दुकान पर। तो जाएंगे कपड़ों की दुकान पर चलने। आज थोड़े बहुत कम हुए हैं। उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी थी कि आप कल आ जाइएगा दुकान पर, क्योंकि इतना अच्छा आदमी हमको कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं तो बाइक ऊपर ही ले गया था। हमारी दुकान थी इधर गाइस। हमने किसी का बाइक लिया है इसलिए उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। भाई साहब उसको हम खड़ा करते हैं गाइस बाइक पर। इधर हम जाके चीज़ें लेके आते हैं। तो गाइस हमारा बाइक खड़ा हुआ है और हम जाके अपने अच्छे से कपड़े पसंद करते हैं और कल के लिए रेडी हो जाते हैं गाइस।
तो गाइस अभी मैं आपको मिलूंगा रेडी होके। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी इस टाइम सुपरमार्केट में, जहाँ पे हम लोग यहाँ के सेलर मैन हैं। तो हम यहाँ पे चीज़ों को सेल करेंगे, और ये हमारी सुपरमार्केट है गाइस, जहाँ पे कुछ वेजिटेबल एरिया और समली वगैरह ये अनमोर, और यहाँ पे कुछ मीठा की चीज़ें। तो गाइस अभी यहाँ से हम भी कुछ खा सकते हैं कुछ, यस गाइस हम खा तो सकते हैं, हमें परमिशन है। मगर गाइस हम कंपनी का अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, हम स्टोर वाले ऑनर का, और हम स्टोर के ऊपर अच्छी से अच्छी। तो गाइस यहाँ पे लोग आए हैं, तो गाइस हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं चीज़ें लेने के लिए। तो भाई गाइस हम आ चुके हैं काउंटर पर, गाइस उस पर मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं वहाँ पर। गाइस मैंने उसको ये चीज़ें रख दी हैं, ले लो भाई, थैंक्स फॉर शॉपिंग गाइस। उसमें मैंने अपना सामान लिया ही नहीं और वो चला गया। गाइस पता नहीं कैसे किसी लोग आते हैं। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, मैं काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी देर वर्किंग कर लिया गाइस हमने। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से अपने घर, और गाइस क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट हुई थी उस हिसाब से भाई बाइक ले गया वो हमारा, ओ भाई वो हमारा बाइक ले गया, बाइक को ताला लगाना तो मैं भूल ही गया, बल्कि यही हमारा बाइक तो नहीं, शायद ये हमारा बाइक है, पता नहीं भाई, ये तो टूटा टूटा बाइक पड़ा हुआ है, पता नहीं हमारा भी है कि नहीं। भाई ये हमारा बाइक तो लग नहीं रहा, नहीं गाइस ये हमारा बाइक नहीं है, ये तो चल भी नहीं रहा बाइक। गाइस वो हमारा बाइक ले गया, अब हमने जिससे बाइक लिया हुआ था उसको क्या जवाब देंगे गाइस, मतलब गाइस क्या हो गया गाइस, अब तो हम लुक जाएंगे गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा, वो हमारा बाइक लेके भाग गया गाइस। गाइस अभी मैं मंगवाता हूँ टैक्सी, तो फिर टैक्सी में हम लोग जाएंगे घर। क्या करें अब, यहाँ से टैक्सी भी घर जाना पड़ेगा, घर तो बहुत दूर है, घर पहुँचते पहुँचते 100 दिन लग जाएंगे गाइस। गाइस मैं मंगवाता हूँ टैक्सी। तो गाइस मैं अभी कॉल में लगा रहा हूँ उसको, टैक्सी वाले को, भाई हेलो भाई टैक्सी वाले भाई, सर टैक्सी वाले भाई जल्दी आ जाओ यार, ये एक फ्रेश फूड्स वाली शॉप है वहाँ पर आ जाओ सुपर मार्केट। जी भाई हम आ जाते हैं। ठीक है भाई चल दिया यार, मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ अपने काम से। तो गाइस अभी हम उसका वेट करते हैं। तो गाइस इतनी देर में अभी मैं मोबाइल पर वॉच कर ही रहा था कि मेरी टैक्सी आ गई। तो गाइस अभी मैं जाता हूँ अपनी टैक्सी में, और फिर हम यहाँ से टैक्सी में बैठ के अपने घर चले जाएंगे गाइस। तो गाइस अभी हम चलते हैं टैक्सी में, और टैक्सी में जब पहुँच के अपने घर चले जाएंगे गाइस। चलो गाइस मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ, और टैक्सी ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया। तो गाइस हम लोग आपको घर पहुँच के कॉल करते हैं। तो गाइस अभी मैं बंद कर रहा हूँ मोबाइल, और टैक्सी ड्राइवर आने वाला है, तो फिर मैं घर पहुँच के आप लोगों को बताऊँ। तो गाइस मैं इस टाइम अपने घर पहुँच चुका हूँ, तो गाइस ये मेरा घर आ गया, और हम लोग इस टाइम अपने घर के बाहर हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने इस छोटे से कमरे के बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे, उसने काफ़ी ज़्यादा बिल बनाया था गाइस, लेकिन मैंने लड़ झगड़ के उसको कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम जहाँ से कर रहा तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई राइड ढूंढ रहा हूँ। तो गाइस वो अपनी नई राइड ढूंढ रहा था, और मैं अपने फिर से जब मैंने कहा चलो मैं निकलता हूँ, तो गाइस देखो टैक्सी चली गई है, काफ़ी जल्दी इनकी टैक्सी चली जाती है। और गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने रूम में, और गाइस अभी मैं जाकर सो दूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा 2-3 दिन में। थैंक यू गाइस, बाय।